रिवाइजिंग आउट ऑफ फियर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो टॉपर कभी नहीं करते। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मतलब समझाता हूं। एक मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने एक चीज पढ़ी, ऐसे पढ़ ली, और पढ़ने के बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि मुझे याद हो गई, ठीक है। अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, दूसरी बुक उठा ली और दूसरे कॉन्सेप्ट पर चला गया। मान लो मैंने केमिस्ट्री का कुछ पढ़ा, केमिस्ट्री का पढ़ने के बाद मैंने केमिस्ट्री को छोड़ दिया, उसके बाद मैं बायो में आया। जैसी बायो की मैंने बुक उठाई, मेरे को याद आया, ओ हो मैं तो केमिस्ट्री की जो चीज जो मैंने पढ़ी थी वो तो मैं भूल गया। कई बार ऐसे होता है हमारे साथ, ओ हो जो मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा था वो तो मैं भूल गया। तो फिर क्या है ना, मेरा माइंड एकदम से डाइवर्ट हो जाता है और मैं सोचता हूँ मैं वापस से केमिस्ट्री की बुक उठा लूँ, और बायो और केमिस्ट्री में मेरा ना दिमाग झूलते रहता है और मैं ढंग से ना तो केमिस्ट्री पढ़ पाता हूँ ना बायो को पढ़ पाता हूँ। तो टॉपर कभी ऐसा नहीं करता। टॉपर को पता है कि मैं केमिस्ट्री किस समय में पढ़ूंगा, उसी समय में दोबारा रिवाइज करूंगा, और अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो हाल फिलहाल मैं अपना दिमाग उसमें डाइवर्ट नहीं करने वाला। अभी मैं फोकस करूंगा बायो पे, मैं केमिस्ट्री छोड़ के आ चुका हूं, मैं केमिस्ट्री को दोबारा से नहीं देखने वाला। ये बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है।